आज की सभा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने गुणीजनों को एक मंच पर सुनना बहुत सौभाग्य की बात है। ये एक तरह का कॉर्पोरेट सोशियो इवेंट है। मैं सर्वप्रथम बहुत ही आदर के साथ सुनील देवधर जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। वे खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करें सभा की। मंचावर बसलेले सर्व अतिथी आणि माझ्या समोर एकत्रित झालेले देशभरातून आले असतील सगळे कदाचित, पण आपण सगळे पुण्यात आलेले आहात आणि मी आपलं पुण्यामध्ये स्वागत करतो। अंग्रेजी में बोलते हैं लोग, हम भी बात कर सकते हैं, कोई मुश्किल थोड़ी न है। लेकिन जैसे हमारे पद्मश्री सुभाष जी ना, सुभाष भालेकर जी ने कहा, वैसे हिंदी में बोलना चाहिए, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। वैसे महाराष्ट्राचा राहणारा आहे, पुणेकर आहे, मराठी मध्ये बोललं पाहिजे आणि समजलंही पाहिजे। जर आपण वर्षानुवर्ष पुण्यामध्ये राहत आहोत तर आपण ज्या राज्यामध्ये राहतो आणि ज्या राज्यात आपण 20-20 वर्ष राहतो आहोत त्या राज्याची भाषा शिकणं, तिकडची वेशभूषा अंगीकारणं, तिकडच्या संस्कृती परंपरा, तिकडचे सणवार, त्यांचे खाद्यपदार्थ, हे सगळं आपलेसे करणं, त्यांच्यामधलं बनून राहणं, असं जर केलं तर काही तुच्छ राजकीय पक्षांच्या मनशा पूर्ण होत नाही, त्यांचा अजेंडाच संपून जातो आणि एक भारत श्रेष्ठ भारत खऱ्या अर्थाने निर्माण होतो। और शिलांग में रहकर मैंने वहां की खासी जो ट्राइबल भाषा है उसको सीख लिया। अगर उस खासी भाषा का एक देशभक्ति पर गीत मुझे, जो मैंने बच्चों को सिखाया और वहां पर स्टॉप ट्रीटिंग अस लाइक एन इंडियन कॉलोनी, वी आर इंडियन बाय एक्सीडेंट, इंडियन डॉग्स गेट लॉस्ट वगैरह, जो माहौल चल रहा था 1980s और 90s में जब मैं वहां गया, जो कॉर्पोरेट नहीं है लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने वाला, जानने वाला, समझाने वाला, सिखाने वाला, करवाने वाला, भारत में इससे बड़ा दूसरा कोई संगठन नहीं है, दुनिया में इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है। और शिलांग में गया तो मेघालय के खासी लोगों को देशभक्ति सिखानी थी तो मैंने सिखाई। आरी लाका जोंग, नियम लाका जोंग, हाक जात जोंग फांग आडेम बुनसिन, फाला खा यंगा हाक का प्रथई, हाक जात जोंग फांग आडेम बुनसिन, कितने लोगों को समझ में आया? नहीं आया ना। मणिपुर में गया, इतना चल रहा है मणिपुर कई दिन से, प्रयास पूरे हो रहे शांत करने के लिए, लेकिन इमा इमा कौना कौना कतलू राशि थवाई मंगा हौगल सागल लई पचाशा हिमालय पाकि पुलमदम आईकुन नाकनी आईकुनी कंदन हिमालय पाकि पुलमदम, कितने लोगों को समझ में आ गया? नहीं आया ना। खासी भाषा अलग थी, मैथिली भाषा अलग है, बांग्ला आमी बोलते पारी, बांग्लाते आमी भाषण दीते पारी, जे समय त्रिपुराते आमादेर सब बंगालीरा बोललेन कम्युनिस्टरा, ए तुम्ही तो महाराष्ट्रेर मानुष एखाने की काय, आमी बोललाम आमी देवधर, आमी ट्रिपल बांगाली, आमार टायटल एर मध्ये तिनीटा बांगाली टायटल, आमी देवधर, आमी दे, आमी देव, आमी धर, तीनी टाइटल बंगाली है। आमार साथे बेशी कोठा करुंदा और 25 साल का कम्युनिस्टों का एंटी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट ही नहीं है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से आएगी? बंगाली भाषा सीखी मैंने, इपुड़ तेलुगु नेर्चुकुंटुन्नान, आंध्र प्रदेश में हूं तो तेलुगु भाषा सीखनी पड़ती है। उपन्यासम कूड़ा इस्तानु, पाटा कूड़ा विंटानु, पाटा मैं गाना गा भी सकता हूँ, निदुरा पूरा तम्मुड़ा, लता जी ने गाया हुआ पुराना, सावित्री ने पेश किया। देश एक है,
महाराष्ट्र का व्यक्ति और महाराष्ट्र के कई व्यक्ति अगर देश भर में जाकर वहां की भाषाओं के साथ समरस होकर वहां की वेशभूषाओं के साथ समरस होकर रह सकते हैं, तो हम पुणे में आने के बाद पुणे जैसा महान शहर जो महात्मा ज्योतिबा फुले का शहर है, अगर मैं आज आपको पूछूं कि CSR की कंसेप्ट का जनक कौन है, हु इज द फाउंडर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ CSR, तो हो सकता है आप सब एक्सपर्ट्स कोई किसी गोरे का नाम बताएंगे, US में ऐसा ऐसा कोई फलाना फलाना था, UK में था, उसने ये कंसेप्ट दिया। लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंसेप्ट का पहला जनक व्यक्ति ये महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा फुले गरीब व्यक्ति नहीं थे, महात्मा फुले एक यशस्वी व्यावसायिक थे। ही वॉज ए कॉर्पोरेट, उनकी कंपनी थी, उनकी कंपनी ने ये कातरस का बोगदा जो है ना उन्होंने बनाया है, अब जो कातरस के बोगदे से जाते हैं। महानगर पालिका के भवन का निर्माण उनके कंपनी ने किया है, अंग्रेजों ने उनके कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, फुले जी ने कंपनी शुरू क्यों की? इसलिए नहीं कि बड़े बड़े भवन बनाने हैं, इसलिए नहीं कि राजनेताओं को लेन देन करके भागीदार बनाकर खुद का धंधा चलाना है। उन्होंने सोचा मैं पैसा कमाऊंगा कंपनी के माध्यम से और फिर उसके प्रॉफिट का एक सुनिश्चित शेयर मैं सामाजिक काम के लिए दे डालूंगा, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग बोलते हैं। फुले जी की कंपनी को जो प्रॉफिट होता था 5%, आप 2% की बात करते हैं, महात्मा फुले जी के कंपनी ने 5% क्या किया बताइए? CSR किया 5%। उनके जितने लोग थे जिन्होंने कंपनी बनाई थी उनके चरितार्थ के लिए, उनका घर चलाने के लिए निकाल के रखे और 95% समाज के काम के लिए दे दिया। है कोई माइकल लाल पूरी दुनिया में इतना बड़ा CSR करने वाला? हमारे देश में महात्मा फुले है हमें पता ही नहीं है, हम दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम लेते हैं और खुश हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, पता है आपको, जिस समाज के कारण आज मैं बना हूं, जिन गरीबों के कारण मैं आज बना हूं, जिन गरीबों की किसानों की बात अभी हमारे पद्मश्री कर रहे थे, उन गरीबों के सब कुछ समर्पण के बाद मैं अगर कुछ सीखता हूं, कुछ बनता हूं और कुछ कमाता हूं और अगर मैं उनको वो वापस नहीं करता हूं, तो मेरे जैसा दूसरा कोई कृतज्ञ अनग्रेटफुल दूसरा कोई नहीं होगा। उन्होंने ये कहा है कि जो व्यक्ति उन सबके त्याग समर्पण के कारण बड़ा होता है, पढ़ लिखता है, कमाना शुरू करता है, लेकिन उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, ऐसा व्यक्ति ये सबसे बड़ा कृतघ्न व्यक्ति है, इज द मोस्ट अनग्रेटफुल पर्सन ऑन द अर्थ। ये स्वामी विवेकानंद जी कहा है, नहीं तो NGO एक धंधा बन गया है, NGO शब्द बदनाम हो गया है। जिस काम के लिए शुरू होती है उसके विपरीत काम करते रहते हैं और भरपूर पैसा, पेपर वर्क परफेक्ट करके पैसा लेकर जाते हैं। और क्या है CSR? बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके जो मालिक है वो एक फैमिली ट्रस्ट बनाते हैं और अपने कंपनी का मुनाफा इधर से उधर डालकर उससे अपनी सारी अय्याशियां करते रहते हैं। सत्यता तो हो CSR के अंदर, पवित्रता तो हो, नॉर्थ ईस्ट के बारे में अवेयरनेस, ऐसे युवाओं को हेल्पलाइन, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम, अवार्ड फंक्शंस, फुटबॉल मैच करके उनका एसिमिलेशन, यहाँ पर उनको ह्यूमन फीलिंग देकर, ये मेरा देश है, मैं कहीं अलग जगह नहीं आया हूँ कि भावना इज माई होम इंडिया। ये करते करते हमें पता चला कि एक बहुत बड़ा रैकेट चिल्ड्रन होम में चलता है, जो बच्चे विक्टिम बच्चे, क्रिमिनल बच्चे नहीं, विक्टिम बच्चे जब आते हैं उनके पेरेंट्स ढूंढकर उनको रीयूनाइट करने का काम चिल्ड्रन होम के अथॉरिटी नहीं करते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर चिल्ड्रन टू गेट मनी, टू गेट फंड्स, टू गेट CSR। क्या आप देते हैं पैसे? बाल गृह अनाथ आश्रम मानते हैं उसको, 200 बच्चियां है, 200 बच्चियों के प्रपोर्शन में आप फंड्स देते हैं, चेक करके देखते हैं क्या बाद में क्या हुआ।
वो बच्चे आपको दयनीय दिखते हैं, दया आती है उनको आपके पास देखकर, और फिर आपको देखकर, उनको देखकर आपको और पैसा देते। दूसरे दिन जो सीएसआर के लिए आने वाला है उसको दया आनी चाहिए, इसलिए वो बच्चे वैसे के वैसे रखे जाते हैं, बीमार, गंदे, भूखे, 18 साल तक मरण जैसी यातनाएं झेल कर वो बच्चे रहते हैं। 18 साल बाद माँ बाप, घर, भाषा सब भूले हुए बाहर निकलते हैं। बिहार के एक बाल गृह के अंदर की नाबालिग बच्चियां प्रेग्नेंट पाई गई, आपने सुना होगा कुछ साल पहले की घटना। जिन मदर टेरेसा को हमने बहुत बड़ा बनाया, उनके निर्मल हृदय, उनके चैरिटेबल ट्रस्ट के 300 बच्चे गायब हो गए, गूगल करके न्यूज निकाली। देखिए ऐसे जहां बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स चलते हैं, हमें पता चला, हमने जाकर बच्चों का काउंसिलिंग करना शुरू किया, बच्चों के माँ बाप को ढूंढना शुरू किया, चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी के लीगल प्रोसीजर को पूरा करके बच्चों को माँ बाप से रीयूनाइट करने के लिए शुरुआत की, 2 मेघालय की बच्चियों से शुरुआत की। बढ़ते 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 गए, 12 साल में हमने हमारा उस प्रोजेक्ट को हमने नाम दिया सपनों से अपनों तक। और ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने, गौर से सुनिए, इस देश के 24 राज्यों में से 72 बाल गृहों में से 72 चिल्ड्रन होम्स ऑफ 24 स्टेट्स 3500 चिल्ड्रन, मोर देन 3500 चिल्ड्रन आर रीयूनाइटेड बाय माय होम इंडिया इन 32 स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। हम हिंदू आदि है, हमें कोई उसमें शर्म की भावना नहीं है, हमें गर्व है, हमें पूरा अभिमान है कि हिंदुत्व ये किसी पूजा पद्धति के खिलाफ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमने जो 3500 से अधिक बच्चों को रीयूनाइट किया है उसके अंदर 350 से ज्यादा मुस्लिम लड़के लड़कियां हैं। हमने नहीं सोचा मुसलमानों के क्या करना है, बच्चा बच्चा है। 200 से अधिक ईसाई है, हमने रीयूनाइट किया है। 1,00,000 बच्चे अभी भी फंसे हुए है जिनको माँ बाप के पास पहुंचाया जा सकता है। CSR इसके लिए कीजिए ना, हम CSR मांगने जाते बताते नहीं, ये कोई कंसेप्ट हमारे इसमें नहीं है, हम लोग एजुकेशन और हेल्थ के लिए सिर्फ देते हैं। अब दीजिए ना, उधर भी दीजिए, बहुत अच्छी बात है, इन बच्चों का कौन सोचेगा। देखिए CSR के लिए पैसा लगेगा ना, इसके लिए पहले कॉरपोरेट के पास पैसा आना पड़ेगा, और अगर कॉरपोरेट के पास पैसा आना है तो देश की इकोनॉमी बढ़नी पड़ेगी, और अनडाउटेडली गए 9.5 साल में देश की इकोनॉमी इतने ऊंचाई पर जाना शुरू हो चुकी है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। जब सारा बाकी का विश्व डूबते जा रहा है, सब लोग हैरान है कि भारत का क्या हो रहा है, सारे फ्लाइट्स फुल महंगे, सारे ट्रेन के टिकट्स फुल, सारे डेस्टिनेशंस पे होटल के लिए, रहने के लिए जगह नहीं है। अब दिवाली में देखिए, एक गाड़ी शोरूम पर मिलती नहीं है, खत्म हो जाती है। रिकॉर्ड चांदी की खरीदी धनतेरस पर, सोने की खरीदी दशहरे पर होती रहती है। कहां से आ रहा है लोगों के पास पैसा, क्योंकि देश बढ़ रहा है, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो रहा है, और मोदी है तो मुमकिन है, और इसलिए इस रफ्तार को अगर ब्रेक नहीं लगनी है तो पहले से ज्यादा ताकत के साथ मोदी 3.0 भारत में रहेगा, कॉर्पोरेट्स आगे जाएंगे, CSR के लिए फंड्स ज्यादा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय।